भी इससे बिल्कुल प्यार होने वाला है। कैसे हर वीडियो में मैं रंग बिरंगी दिखती हूँ ना। यहाँ पे मैंने लिया है सूजी ऑलमोस्ट एक कप के बराबर, जितना सूजी लिया है ना उतना ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही, थोड़ा सा नमक, नमक में ना हल्दी मिक्स हो गया है सो इग्नोर दैट, सिर्फ नमक डालना है, और थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी अभी डालेंगे, अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में भी हम थोड़ा पानी डालेंगे कि हमको कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए। इसको ढक के हम लोग 30 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो फूल जाए। डालेंगे दो नींबू ताकि जो कुकर है वो काला ना हो जाए। ये देखो ये सूजी जो है ना अच्छे से फूल गई है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी, जो हमारी इडली कंसिस्टेंसी होती है ना वही बनाएंगे। देखिए ये ऐसा हो गया है, तो ये ठीक है। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, आप इसमें ना अपने हिसाब से सब्जी वगैरह सब कुछ डाल सकते हो, पर आज मैं फ्राइड वाला बनाऊंगी इसलिए मैंने कुछ सब्जी नहीं डाली है इसमें। हरी मिर्च ये डाल रही हूँ, अदरक, सॉफ्ट अनियन, थोड़ा नमक, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करेंगे और डालेंगे थोड़ी सी शुगर, बिल्कुल थोड़ा। आप इसमें सब्जी वगैरह भी डाल सकते हो लेकिन मैं सिंपल बना रही हूँ, तो इसमें जो कट इडली है वो डाल देंगे। बढ़ाने के लिए थोड़ा सा डालूंगी मैं मैगी मसाला, तो मैगी के मसाले जो काफ़ी बार यूज़ नहीं होते ना उनको मैं रख लेती हूँ, जैसे डाल के ना काफ़ी अच्छा टेस्ट बन जाता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। सो लेट अस ट्राई दिस, बहुत टेस्टी है, बहुत जल्दी बन जाता है। सो यस, नाश्ता हो गया, बहुत भूख लगी थी एक्चुअली। अनन्या को ना मैंने मॉर्निंग में खिला दिया था, मैं काम करते करते आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने नाश्ता नहीं किया। सो बहुत अमेजिंग बना था, मजा आ गया। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स, और यस आप सब ने बहुत सारे मेरे को कमेंट्स लिखे यू नो कि फ़ोन ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सो यस फ़ोन ठीक हो गया, पैसे लगे 20,000 लगे पूरे के पूरे, हमको लगा शायद यू नो थोड़ा कम हो बट पूरे लगे, बट मेरे सारे कॉन्टैक्ट डेटा सब कुछ सेव था, जस्ट जो स्क्रीन था ना उसका वही खराब हुआ था इसलिए सब हो गया, फोन मिल गया। सो लाइव आने का ऐसा था कि इस सैटरडे संडे को भी जो गया उसमें हमको आना था, बट देन नाउ वी आर प्लानिंग टू गो अहेड फॉर दिस सैटरडे और संडे। सो मैं आपको टाइम वगैरह बता दूंगी, काफ़ी लोगों ने बोला इवनिंग टाइम यू नो इज़ प्रेफरेबल, सो मोस्ट प्रोबली इवनिंग टाइम पे ही आएंगे, और जो भी होगा डेटा डिटेल्स वगैरह मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट एक दिन पहले डाल दूंगी। सो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो जागरी खत्म हो गया है तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये इको फ्रेश वाला ऑर्गेनिक जागरी। बोला देखो इतनी देर से मेरे पीछे पड़ी है। ग्रीन एंड ब्लू बॉडी, तब से पीछे बड़ी, इनको ड्राइंग दिखाना है, ड्राइंग दिखाना। आप लोगों को चीजें नहीं दिखा के ना इसको मजा नहीं आता जब तक आपको दिखाती नहीं है, फिर सब कमेंट में लिखते हैं कि वेरी नाइस अनन्या है ना, इसी के लिए। यार ये क्या बनाया बता दो, बीच बीच ठीक से दिखाओ ना, ऐसे कैसे समझ में आएगा। यस शेडिंग का चल रहा है उनके ड्रॉइंग में आजकल, सो यही चल रहा है। Could see yourself just sitting there on my chair, I'm staring at you, you don't even notice, should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore, I know you haven't noticed, you know, you know.
आपके साथ भी ये होता है क्या नहीं बताना। ये देखो यहाँ पे रुको, ये फोकस आधा बंद हो गया है। सो जैसे ही मैं मार्बल, मतलब दो तीन बार मैंने ट्राई किया, मेरे हाथ में नहीं, जैसे ही इसको दबाओ ना, ये देखो यहाँ पे पुचुक इधर, जैसे वो होली की पिचकारी कभी इधर कभी उधर। सो इसको बीच बीच में ना ऐसे साफ करते रहना होता है ताकि इसका मुंह खुला रहे और प्रॉपरली हाथ को ही सैनिटाइज करे। हो गया। अच्छा आइडिया, इतनी देर से फूंक मार रही थी, फाइनली फैन ऑन करके आ गया। तुम बड़ा दिमाग है तेरे में, बड़ा दिमाग है तेरे में। हाँ ओके अनन्या को कुछ बोलना है आपको। हाँ बोला अनन्या, मुझे बैग ठीक करना है, उसके बाद आ जाओ। बस हो गया, सब हिप्नोटाइज हो गया, चलो हटो। शक्ल तो दिख नहीं तुम्हारी, मेरे चेंबर, मेरे चेंबर को नहीं छोड़ना मुझे, मुझे मेरे चेंबर को नहीं छोड़ना। You can take me high. So यहाँ पे मैंने एक बीटरूट लिया है, इसको कद्दूकस कर देंगे। अभी बीटरूट का हम निकालेंगे जूस, आप मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ही चाहिए होता है ना, इसलिए ऐसे ज़्यादा बेटर है। इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा दही, इसको मिक्स कर लेंगे। वो अच्छे से धो लिया है, हेयरबैंड लगा लिया, टी शर्ट भी चेंज कर ली है, क्योंकि जो बीटरूट है ना उसका कलर अगर लग जाए ना टी शर्ट पर फिर निकलता नहीं है। देखो कलर कितना प्यारा है। बीटरूट के बहुत तरह के फेस पैक्स बनते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल सा कर रही हूँ। कैसे हर वीडियो में मैं रंग बिरंगी दिखती हूँ ना, लास्ट टाइम ब्लैक काला थी, उससे पहले हरा थी, एंड टुडे आई लव दिस कलर, आज वाला कलर इज सो ब्यूटीफुल। ये देखो यहाँ पे जो सामान आता है ना, यहाँ पे मैं सैनिटाइज करने के लिए रखती हूँ। यहाँ पे रखा था एक अंडे का डब्बा, और ये दरवाज़ा ज़ोर से खोला और ये खुल के पूरा डब्बा पिचक गया। अब इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इतनी स्मेल आती है इससे। चलो करना तो पड़ेगा। ड्रेसिंग टेबल में ना यहाँ पे इतना तेल गिरता है, ये स्पेशली अनन्या इतना तेल गिराती है। हाँ नहीं गिराती तुम, तो उसको बीच बीच में साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये वही है जैसे मैं गैस स्टोव साफ करती हूँ, काफ़ी अच्छे से ऑयल वॉयल साफ कर देता है, इसलिए इसको भी साफ। ये वाइट कलर जितना देखने में अच्छा लगता है ना, गंदा भी उतना ही होता है। इसको रेगुलरली वाइप करना पड़ता है ना, बस डस्टिंग से नहीं चलता है, इसको अच्छे से वाइप भी करना पड़ता है। Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something. इसमें तो 1 मिनट नहीं है, ऐसा ही है, 1 आवर होता है, उसी के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने होते हैं, छोटी क्लासेस की तरह नहीं। सो या आप में से ना, सॉरी यार, काफी लोग मुझे इनफैक्ट 3-4 वीडियो पहले से मुझे पूछ रहे हो कि मैं अपने शैम्पू दिखाऊं। मैं हर बार भूल जाती हूँ, आज मुझे याद आया इससे पहले कि अनन्या मुझे भुला दे, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, सो पहले मैं आपको इस बाथरूम का दिखा देती हूँ। सो एक मिनट, मैंने ना एक्चुअली दोनों बाथरूम में ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे है ये लॉरियल का कंडीशनर, ये है ट्रेस्मे का, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका कंडीशनर ट्रेस्मे वाला। और शैम्पू में है यहाँ पे ये अनियन वाला, अनियन शैम्पू ना काफ़ी हेयर फॉल कंट्रोल करता है, स्पेशली मॉनसून में है, मुझे बहुत पसंद है। ये है एप्पल सिडर रिफ्रेशिंग शैम्पू, ग्रीन एप्पल वाला, एप्पल सिडर कह रही हूँ सॉरी। सो ये भी काफ़ी फ्रेश, मतलब जो बाल है ना बिल्कुल ऐसे लगते हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही, चमकता हुआ फील होता है इससे। सो ये हेयर फॉल का है। और क्या है यहाँ पे मैंने एक फेस वॉश रखा है, यहाँ पे एक और फेस वॉश है, यहाँ पे है इसका गंदा हो गया सॉरी यार, ये एम कैफेन का बॉडी स्क्रब है, और ये है आपका लिकरिश, बहुत अच्छी खुशबू है इसके लिकरिश वाला फेस, और ये आपका फेस स्क्रब, और एक यहाँ पे एक और है स्क्रब, ये ख़त्म होने वाला काफ़ी पुराना, इनफैक्ट इसको फेंकना ही है। चलो अब चलते हैं दूसरे बाथरूम में। सो एक्चुअली ना दोनों बाथरूम में मैंने डिवाइड किया होता है सामान, वरना क्या होता है ना वहाँ से चिल्ला अनन्या शैम्पू ला के देना, उधर से अनन्या सोप ला के देना, इसलिए मैंने ना
दोनों बाथरूम में इक्वली दोनों चीजें डिवाइड करी हुई जो शैम्पूज हैं, तो अब आपको दूसरे बाथरूम का दिखाती हूँ। सो ये है, ऐसे ऑर्गेनाइजर्स लगाए हुए हैं मैंने, ये अमेजोन से ही लिया था। सो यहाँ पे भी है एक बड़ा वाला लॉरियल, ये सुभाष ज्यादा यूज करते हैं, उसी का है ये कंडीशनर लॉरियल का। नेक्स्ट हाँ यही है शैम्पू, ये है दो शैम्पू, ये है कहाँ गया आमला रीठा और शिकाकाय वाला, ये वाला शैम्पू है। इनफैक्ट ये सारे शैम्पू ना छोटे छोटे रखे हैं मैंने, क्योंकि दोनों बाथरूम में डिवाइड होते हैं ना, बड़े बड़े रखेंगे तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा। ये है इसी का कंडीशनर, इनके स्मेल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है आमला शिकाकाय वाले, बट हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, और मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे और क्या रखा है। यहाँ पे है एक अगेन स्क्रब, बिकॉज यू नो दोनों बाथरूम में ही चाहिए होता है, ये सुभाष का है कुछ तो शेविंग वगैरह। यहाँ पे है ये जेल, बॉडी शावर जेल है बेसिकली, लेकिन क्या हुआ ये देखो ये पैकेट से हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका ना, वो एक रिफिल आता है ना वो पंपिंग वाला जो होता है मशीन वो था, और वो जब खत्म हुआ पंपिंग मशीन मतलब ये ऐसा छोटा सा पैक, तो वो फेंक दिया मैंने और फिर ये मंगा लिया और फिर याद ही नहीं रहा कि वो फेंक दिया, तो ये देखो जो काट काट के यूज़ कर रहे हैं जब तक नया ना मंगाएं। और यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, ये है आपका एक्ने, आपको पता है मेरी इस एरिया में काफ़ी एक्ने आता है, तो जब मेरे को एक्ने का इशू रहता है ना मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ये डर्म डॉग का एक्ने वाला नाइसिनमाइड, ये सॉरी सैलिसिलिक एसिड वाला, तो ये काफ़ी अच्छा होता है आपके एक्ने वगैरह को रिमूव करने के लिए, ये जेल बेस्ड है। और इसी का है ये डर्म डॉग का, ये फोम बेस्ड है, थोड़ा महंगा है आई थिंक ये, हाँ 400 रुपये का है, बट दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज ऑल्सो अगेन सैलिसिलिक एसिड, फोम बेस्ड है। जेल और उसमें फ़र्क पता है क्या होता है, जब आप जेल वाले क्रीम लगाते हो ना वो मॉइस्चराइज करता है, क्रीम नहीं फेस वॉश मॉइस्चराइज, जैसे होता है ना काफ़ी बार आप पानी से धोते हो लेकिन आपको लगता है साबुन लगा हुआ आप धोते रहते हो, वो बेसिकली साबुन नहीं लगा रहता है, वो आपको मॉइस्चराइज वाले होते हैं वो आपके फेस वॉश, और जो फोम वाले होते हैं वो आपका ऐसा होता है कि एक बार लगाओ पानी डालो ऐसा लगता है एक बार में पूरा मुँह साफ हो गया, सो वो होता है फोम वाला। अगर पास में आके लेट जाओ ना यानी आके फिर उठने नहीं देती, आओ सिंह आएंगे आप एक बार और मारो ना, कहते हैं सिंह आते हैं, बचपन में आपके साथ हुआ है क्या ऐसा, मतलब बचपन में सब चीज़ें कितनी इजी लगती थी ना, एक सर पे एक बार मारो तो सींग आएगा, तो एक बार चोट लग गई तो फिर से चोट मारो है जोर से ताकि सींग ना आए। चलो लंच बनाने मम्मा को, नहीं थोड़े लेट जाओ, आज का आपका फेवरेट वाला बनने वाला है मटन। मतलब ही लड़की मुझे वहाँ से छोड़ के आई, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर पकड़ पकड़ ली, पहले तेल में डाल रही हूँ ये मैं साबुत मसाले, साबुत जीरा और बहुत सारा प्याज, थोड़ा सा नमक, उसको अच्छे से हमको फ्राई करना है। प्याज को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन ब्राउन करके भून लिया है, इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन और एक आधे प्याज का पेस्ट, तो मसाला देखिए अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। मसाला फ्राई होने पर इसमें मैं एक टमाटर डाल रही हूँ, थोड़ा लंबा लंबा काट लिया इसको मैंने, तो मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मटन जिसको मैंने मैरिनेट किया था, इसमें डाला था मैंने थोड़ा सा दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। अब इस मटन को ना हमको ढक के अच्छे से फ्राई करते हुए कुक करना है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ये पानी छोड़ेगा फिर उसका पानी सूखेगा फिर इसको कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखो ये मटन को अच्छे से भूनना होता है, इसको ऑलमोस्ट मुझे 30 to 40 मिनट्स हो गए हैं, तो अब इसको मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसमें डाल दूँगी मैं गर्म पानी, थोड़ा सा धनिया पत्ता, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको ना सीटी लगाना है, कम से कम 5-6 तो लग ही जाएंगे और ज़्यादा भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये जो आपका मटन है वो। ये देखो ये बन गया है बिल्कुल मस्त, ये ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल तैरता है ना, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गया है। फाइनली इसको हम थोड़े से धनिया पत्ते के साथ गार्निश कर देंगे और बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है इसकी। बच्चों से सीखनी चाहिए मस्ती कैसे करते हैं ना अनन्या, पूरे दिन कैसे पूरे दिन इतनी एनर्जी आती है, इतनी मस्ती होती है। हाँ दांत तो दिखाओ, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, ये देखो दांत देखो उसके। ये देखो उसको रैबिट बोला हंस बस, उसको रैबिट बोला तो ये देख क्या लेके आई है, मुझे पता है तुम क्या लेके आई हो। क्या यार बाय गॉड क्या लड़की है, कहाँ से आई है ये लड़की, हाँ कहाँ से आई है, कहाँ से आई है तू अनन्या। थोड़ी धूप आई है तो सारे डोर मैट्स भी धो दिए हैं, इनको भी सुखाना है।
दिनों बाद आज के दिन के लिए आया है, मतलब ऐसी चीज है ना, मतलब इतने दिनों से ढूंढ रही थी ये कलर कॉम्बिनेशन में फाइनली आ गया है और आई एम डेफिनेटली श्योर आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है, आपको भी इससे बिल्कुल प्यार होने वाला है। आपको कैमरा क्लोज लेके आती हूँ, है दो कप, मुझे ये पेस्टल कलर इतने पसंद है ना, मैं ऐसा कप देख रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे ये दो कप मिल गए, काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत हैं, बहुत प्यारा कलर है और इन्हीं के साथ मैच करते हुआ, दो मैंने ये अलग अलग लिए हैं इनके साथ पर ये इतने अच्छे से मैच हो गया है, वो है ये सूप बोल, सर्विंग बोल या फिर ब्रेकफास्ट बोल, सीरियल्स खाने का बोल, मैगी खाने का बोल। कलर्स, जस्ट लुक एट द कलर्स, मतलब इतने प्यारे हैं इनके कलर्स और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है जैसा मुझे चाहिए था, और ये बिल्कुल मेरे उसके से कप से ना प्रॉपर मैच हो गए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को ये पसंद आएगा। ये पूरा ऐसा लग रहा है एक कॉम्बिनेशन में कॉम्बो है पूरा, जबकि मैंने अलग अलग ऑर्डर किया था। अभी शाम को मस्त इसमें पीऊँगी मैं चाय। ये पसंद आया कि नहीं आया? आया ना, मुझे पता है आपको पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही क्यूट है। आई होप मैं ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखा रही, बट समहाउ मुझे किचन के सामान से इतना प्यार है ना कि एक छोटा सा कप भी होता है ना तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है, और जैसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं ना उसी एक्साइटमेंट में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे फ्रेंड्स को दिखाते हैं ना पता है आज ये लिया है वो लिया है, तो एग्जैक्टली वैसे ही यू नो आपको मैंने सोचा दिखाऊं, और दिखाते दिखाते वैसे ही खुशी होती है मुझे। फ्रेंड्स ब्लॉग तो मुझे आफ्टरनून में ही एंड करना था, बट देन न्यू कप में चाय पी के आपके साथ शेयर करना तो बनता था। सो ये रही मेरी चाय और ये रहा मेरा न्यू कप और ये रही हमारी चीयर्स। सो न्यू कप से आप सबको चीयर्स है, और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुभाष मीटिंग में चल रहे हैं। और चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और लगा है तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।